तो हाय दोस्तों, हम आ गए अपने नेक्स्ट वीडियो पे। आज की जो हमारी वीडियो है वो जेई मेंस के लिए है, जो जेई मेंस के रिलेटेड रिगार्डिंग हमारी वीडियो है आज की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है जेई मेंस का, जो अप्रैल अटैम्प्ट आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे सब बच्चों को मोस्टली जो जेई मेंस तो सभी भरते ही हैं, क्योंकि यही एक तो फॉर्म है जिनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी दिक्कत आती है फॉर्म भरते समय, तो वही डाउट क्लियर करने के लिए बस। तो ऐसे वो बच्चे, जैसे कि हम मैं बोल सकता हूँ, जो ट्वेल्थ अपेयरिंग में है और जिन्होंने अभी जनवरी का जो जेई मेंस का है वो नहीं दिया, उनको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी फॉर्म भरते समय जस्ट। तो अब सॉरी, आप देखें वीडियो को, समझें और कोई गलती ना करें प्लीज़। तो इसी चीज़ के लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसी ही और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है जो आपको काउंसलिंग जब आप करेंगे तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आपकी काउंसलिंग में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जेई मेंस का जो अप्रैल अटैम्प्ट का पेपर है, एग्ज़ाम, वो है फॉर्म, वो आ चुका है। हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सीधे सीधे मोड पे चालू करेंगे मोड से, क्योंकि जो पेपर है ये तीन तरह के एंटी, तीन तरह के फॉर्म लेंगे वाली पेपर, आपका BR का, आपका BTECH का और B.PLANNING का पेपर। तीन पेपर होती है टोटल, और ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो तीनों ही पेपर देते होंगे। कुछ तो होते होंगे तो दो देते होंगे, कुछ ऐसे, लेकिन ज़्यादातर ये होते होंगे जो सिर्फ BTECH का फॉर्म देते होंगे। तो देख सकते हैं तीन फॉर्म, तीन पेपर है, BTECH जो कि पूरा ऑनलाइन है, B.ARCH जो तीन पार्ट में बांटा गया है, उसमें से दो पार्ट आपके ऑनलाइन होंगे, एक पार्ट आपका पेपर बेस्ड मतलब ऑफलाइन होगा, और तीसरा पार्ट जो पेपर तीसरा है वो आपका B.PLANNING है जो कि पूरा ऑनलाइन है। हम सीधे पेपर वन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो पेपर वन है आपका BTECH है, ठीक है, इसमें तीन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और हर सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मिला के 75 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, और इन पूरे 75 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है आपका 300 नंबर का, ठीक है। और एक सब्जेक्ट में से 25 इसमें से 20 मिला करके 60 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन MCQ क्वेश्चन में आपके नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि अगर कोई गलती करते हो तो आपकी 1 मार्क्स नेगेटिव में कट जाएगा, और सही करते हैं तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। वहीं आपके जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपके इंटीजर हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके अगर आंसर गलत भी हो जाते हैं तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं लगी। इसलिए ज़्यादा बच्चे इस चीज़ क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करें, गलत तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं मिल रही है तो अटैम्प्ट ज़रूर करें। और एक बात और ध्यान रखें, जब आप आंसर लिख रहे होते हैं ना इसका, तो देखें कि आपकी वैल्यू 0 से लेकर 5 के बीच में हो और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू लिखें आंसर में, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। ये तो आपका पेपर वन होगा, 3 घंटे का पूरा टाइम मिलेगा कंप्यूटर बेस, ये आपका पेपर वन। अब हम पेपर टू की बात करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो बच्चे पहली बार दे रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, ट्वेल्थ में हो, तो उनको तो दिक्कत आनी है। कुछ तो ऐसे ड्रॉप आउट में जो सिर्फ BTECH को देखते हैं, BR का अगर भरना भी चाहते हैं तो उनको मोड नहीं पता होगा क्या पेपर का पैटर्न है, यही नहीं पता होता, इसलिए उनके लिए थोड़ी सी जानकारी की बात यह है। जो पेपर टू अब BR का है वो उसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैथमेटिक्स, एम्पलीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट, ठीक है। तो पार्ट वन पार्ट टू आपका है मैथ, एम्पलीट्यूड टेस्ट जो कि पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा आपका, और पार्ट थ्री ड्राइंग टेस्ट है जो ऑफलाइन होगा। लेकिन ये तीनों पार्ट आपके 3 घंटे में कवर किए जाएंगे, तो मतलब आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ, जो मैथ है आपका वो सिंपल बेसिक आपका 11th 12th का सिलेबस जो आपका JEE का है वही। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका एक तरह का लॉजिकल क्वेश्चन कह सकते हैं हम, SSC की जो मैथ होती है लॉजिकल मैथ, वो आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट है। और ड्राइंग टेस्ट सिंपल ये है कि आपको ड्राइंग बनाने के लिए देंगे, वो तो मुझे भी नहीं पता, वो ड्राइंग बनाने के लिए देंगे और ये ऑफिसी बात है, ड्राइंग तो आप ऑफलाइन ही बनाओगे। तो ये आपका है ये पैटर्न जो कि BR का है। लेकिन एक और चीज़, जो आपका मैथ है इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपके 25, जिसमें से 20 MCQ, 5 इंटीजर। MCQ अगर आप गलत कर जाते हैं -1, अगर इंटीजर गलत करते तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एज इट इज़ सेम। जो BTECH के मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वही इतने भी, यहाँ पे भी उतने ही मैथ के, और सिलेबस भी सेम। अब एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका, ये आपका वही है, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर है, गलत चल जाता है -1, टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट में आएंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन। और ड्राइंग के आपके 2 क्वेश्चन, ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 77 BR में, और उन सबका वेटेज है 400 नंबर का। ये पहले कम नंबर का होता था, लेकिन इसी बार NTA ने बढ़ा करके 400 नंबर कर दिया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। आगे मैं और आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप ध्यान से देखें और रोक करके उस वीडियो, उस चीज़ को देख लें, नोट कर लें,
ठीक है। अब आते हैं पेपर थ्री की बात करते हैं। जो आपका पेपर थ्री है बी प्लानिंग का, इसमें भी तीन पार्ट है, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये बात ही एक ये सही बात है कि तीनों के तीनों आपके ऑनलाइन होने वाले हैं। मैथ का सिलेबस वही है जो आपका पहले ऊपर का है, मतलब जेई मेंस का जो सिलेबस है आपका मैथ का 11th 12th, वही सेम इसका भी है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 25 है मैथ में, जिसमें से 20 एमसीक्यू होंगे, 5 आपके इंटीजर टाइप होंगे, जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इंटीजर में, वहीं एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होगी। एप्टीट्यूड टेस्ट में आते हैं, इसमें भी आपके उतने ही क्वेश्चंस होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी आपके उतने क्वेश्चन नहीं होंगे, बढ़ के आएंगे क्वेश्चन, तो इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि इसमें अगर गलत जाते तो नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपका पार्ट थ्री है। तो टोटल मिलाकर के देख सकते हैं सब में एमसीक्यू है, मतलब एप्टीट्यूड भी एमसीक्यू ही आता है, प्लानिंग बेस्ड भी एमसीक्यू। आप रोक करके आराम से इसे देख लें, और ये पूरा का पूरा ऑनलाइन है। आगे बढ़ते हैं, ये पहला पैटर्न है बीटेक का जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आप रोक करके देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, क्या क्या पैटर्न। वहीं ये बी आर्क का है, ये आपका बी आर्क का क्वेश्चन पैटर्न है, कितने क्वेश्चन कितने कितने सब्जेक्ट में आने वाले हैं। और ये आपका बी प्लानिंग का क्वेश्चन पैटर्न है, पढ़ लें आराम से। वैसे मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, 400 नंबर का ये है, और आपके लैंग्वेज तो हम सब जानते हैं क्या क्या आती है। तो इसी के साथ हम सीधे, और आपको फ़ीस के बारे में भी पता होगा, आप एग्ज़ाम डेट अप्रैल में एग्ज़ाम कब कब होने वाले हैं। जो 5 तारीख है आपका बी आर का पेपर होने वाला, और 11 को आपका बी प्लानिंग का, तो 7, 8, 9 को आपका बी टेक का पेपर होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि इसी बार पेपर चेंज, जैसे कि देख सकते हैं तीन से लेकर नौ तक फिक्स की गई थी, लेकिन उसको चेंज करके 5 से लेकर 11 तक कर दी गई थी। अब हम इसके साथ वीडियो को हम सीधे चलते हैं जेई मेंस का फॉर्म कैसे भरेंगे। ये तो आपके इंपॉर्टेंट टिप्स थे कि क्या क्या देखना है आपको, क्या क्या आपको सीधे jeemains.nic पे जाना है। यहाँ पे ये आएगा, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाना है। तो दो साइडें होती हैं, एक साइड में देखेंगे आपका क्लिक नहीं होगा, एक साइड एक आपका होगा जो विजुअल होगा, क्लिक हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने जनवरी का पेपर नहीं अटैम्प्ट किया है उनके लिए, जैसे कि लिख रखा है, दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड एंड अपेयर फॉर जेई मेंस January 2020। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक जनवरी का पेपर नहीं दिया है, वो इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी, और क्लिक करने के बाद दो साइडें आएंगी, एक तो ये एक ये। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने अभी तक से रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है वो इस पर जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। और यहाँ पे एक पेज दिखेगा, इसका मतलब क्या है, आप अब सब पढ़ लेंगे, वही जैसे बेसिक डिटेल है जो मैंने, और यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब मैंने सब देख लिया है। इस पर जाएंगे और एक पेज खुल जाएगा, ये है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसका मतलब ये है कि आपको रजिस्टर करना है एज इट इज़, जो भी अपनी नाम, पता, पापा का नाम, मम्मी का नाम, वो भी आइडेंटिटी, ये सब कुछ डालना है और यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। और पासवर्ड अपना ध्यान रखें, पासवर्ड जब बनाएंगे वो ध्यान में रखें बस, और सबमिट कर दें, तो मतलब आपका रजिस्टर हो चुका है। रजिस्टर हो चुका है। अब हम पीछे चलते हैं, यहाँ से वहाँ डायरेक्ट होगा नहीं पीछे, इसलिए यहाँ से पीछे, और यहाँ से अब जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है वो यहाँ पे अपना लॉगिन करें, एप्लीकेशन नंबर डालें, पासवर्ड डालें और सिक्योरिटी पिन डालें और साइन इन करके, इसका मतलब अब लॉगिन करके आपका एक पेपर पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा, जिसको आपको पूरा भरना है, जिसमें इम्पॉर्टेंट थिंग क्या आएगी, आपकी साइन की अपलोड की गई फ़ोटो, आपको साइन अपनी अपने साइन की फ़ोटो अपलोड करनी है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है, और आपको फ़ीस भरनी है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको भरने हैं। देख यहाँ पे लिख रखा है, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर एंड पे एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक से जनवरी का पेपर नहीं दिया है, लेकिन अब वो बच्चे जिन्होंने पेपर दे दिया है वो यहाँ से सीधा यहाँ पे आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे, और ये पेज तो सीधे यहाँ पे जाएंगे, ऑलरेडी रजिस्टर, क्लिक हेयर, और यहाँ पे वो बच्चे जिन्होंने जनवरी का दे दिया है वो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और सिक्योरिटी पिन डालेंगे और साइन इन कर देंगे, तो उनका एक पूरा का पूरा पेपर जो फॉर्म है वो पहले वाला जो भरा था वो पूरा आ जाएगा, जिसमें आपका सब कुछ होगा, जिसमें आपको बस क्या क्या इंपॉर्टेंट दी जाएगी, अगर आपने कोई गलती कर दी दोबारा से तो आपको सही कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपना और वगैरह वगैरह, लेकिन आपकी फ़ोटो साइन अगर चेंज कर सकते हो वैसे तो रहेगी, वही रहती है, तो ये सब आपकी इम्पॉर्ट वो आएगी, डायरेक्ट निकल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। अगर चाहते हो पासवर्ड चेंज करना तो कर दो, नहीं चाहते हो तो मत करना,
और सीधे फीस भर देना और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये उनके लिए था जो इन्होंने जनवरी का पेपर दे दिया है। तो दोस्तों ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको भरते समय याद रखनी है। गलती ना करें, अपनी बेसिक डिटेल ध्यान से भरें, क्योंकि अगर यही गलती हो गया तो आपकी काउंसलिंग में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी और एडमिशन आप सोच भी नहीं सकते एडमिशन से चूक जाओगे। ये गलती इतनी भारी पड़ सकती है। तो ध्यान रखें फॉर्म भरते समय, एक एक चीज़ दोबारा से पढ़ें, तिबारा पढ़ें और समझें और ढंग से फॉर्म भरें। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी दोस्त यार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे जरूर यार, और शेयर जरूर करें वीडियो को और दोस्तों तक बताएं उनको कैसे फॉर्म भरना है। जिन्हों नहीं आता उनको तो ज़रूर बताएं, क्योंकि उनकी हेल्प हो जाएगी, गलत ना करें फॉर्म बस इसीलिए। तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और बताएं उनको। तो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ।